हिंदुस्तान की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अरुण जेटली जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे विधानसभा में आदरणीय गुलाब जी, श्री भूपेंद्र जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल, हमारे विधायक वासुदेव जी देनानी, विधायक अनीता भदेल जी, पूर्व मंत्री सांवरलाल जी और जिला प्रमुख सुशीला कंवर जी, विधायक शंकर सिंह जी रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार सिंह जी लखावत और बहुत सारे नेता मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। 15 मिनट बाकी बच रहे हैं इसलिए आप लोग सब माफ करोगे कि मैं सबके नाम नहीं लूं, परंतु यहाँ उपस्थित सब माताएं बहने, सबसे पहले आप लोगों को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ऐसे समय के अंदर इतनी सारी संख्या में आके हम सबकी हौसला अफजाई की, उसके लिए बारंबार आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। उसके साथ साथ हमारे भाइयों और बुजुर्गों ने तो आज कमाल कर दिया है, आपकी जो संख्या है और जिस तरीके से ऊर्जा के साथ आप लोग यहाँ आए हो, हमारी सबकी ऊर्जा, हमें भी ऊर्जा भरी है और मैं तो समझती हूँ कि यहाँ से जाएंगे तो बहुत हमारा खून भी डेढ़ गुना बढ़ के जाएगा। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आके इतना सारा प्यार हम लोगों को दिया। इसी प्यार के हम लोग कायल हैं, जहां जहां ये 3-2 महीने के अंदर गए हैं और लोगों ने आके इस तरीके से प्यार उड़ेला है, बस इसी प्यार के कायल हैं। आप ये प्यार देते रहोगे, हम लोग दौड़ते रहेंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे और आपको ये सबको ये विश्वास देते रहेंगे कि जरूरत जहां पड़ेगी वहां भारतीय जनता पार्टी और हम उतर के, चाहे बूंद बूंद खून भी आपको देना पड़े, तो भारतीय जनता पार्टी आपके लिए खड़ी है और आने वाले दिन समय के अंदर आपके साथ अपने प्रगति पथ पे चलने की पूरी पूरी ताकत रखती है और रहेगी साथ में आपके। मैं आज अपना चौथा संभाग खत्म करने जा रही हूं। 4 तारीख अप्रैल को हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी 4 भुजानाथ से और आज 4 तारीख को हम लोग इसको निपट रहे हैं। 4 भुजा जी हमारे मेहरता के अंदर में जाके आज दर्शन करके आई थी, तो मैं समझती हूँ कि एक संयोग ही रहा है कि 2 महीना हमारा इस तरीके से गया। 5000 किलोमीटर हम लोगों ने किए और 18 जिले को कवर करने का काम हम लोगों ने किया है, जहाँ इतने सारे कार्यकर्ताओं से और जनता से मिलने का मौका मिला। जहां जहां मैं गई हूं वहां मुझे लगा कि 4.5 साल की कांग्रेस के राज के बाद बहुत सारा काम, क्योंकि अखबार में जो पढ़ते हैं उससे ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम क्षेत्र के अंदर हुआ है। ये सोच के हम गए थे कि हम देखेंगे, जयपुर के अंदर बैठ के तो नहीं देख सकते, इसलिए क्षेत्र के अंदर जाके देखेंगे कि वाकई में इन्होंने क्या काम किया है। तो टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर और हमारे चारों पांचों संभाग, उन सबके कार्यकर्ताओं को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन कार्यकर्ताओं, जिन मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दौड़ दौड़ के काम करके हमारे लोगों को, हम सबको जनता तक पहुंचाने का काम किया। उनके बिना ये नहीं हो सकता था, इसलिए आज आखिरी दिन पे मैं आप सबको पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ। महिलाओं के साथ मिलने का मौका मिला, उनसे स्नेह और बुजुर्गों के आशीर्वाद ये मिला और आमजन ने हमको संबल दिया और नौजवानों ने इतना उत्साह दिखाया इस यात्रा के अंदर कि मुझे ये लगा कि वाकई में सरकार बदलने वाली है। जिस तरीके से काम चल रहा है सरकार बदल के ही छोड़ेंगे, ये मुझे लगा। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि हमें खाली 3 चीज चाहिए, एक गरिमापूर्ण जीवन, हमारा सुरक्षित समाज और स्वाभिमानता पूर्वक सौहार्दपूर्ण राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर स्वाभिमान मिले हमको, जिसके अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण हो। ये 3 चीज अगर हम लोगों को मिल जाता है तो मैं समझती हूं कि हमारा स्टेट रस्ते पे चल पड़ा है। मैं देख रही थी सब दूर कि ये गरिमापूर्ण जीवन हमको नहीं मिल सकता जब तक हमारी मूलभूत सुविधाएं हमको नहीं मिली। जगह जगह पे जा गई, सबसे पहले बताना चाहती हूं आप लोगों को कि पानी कहीं नहीं था। अब अजमेर के अंदर तो मैं जानती हूं कि पुरानी मुसीबत है, मुझे याद है कि आपके उस समय के अंदर
बीसलपुर से पानी लाने का काम हम लोगों ने चालू कर दिया था और मैंने सबको यह कहा था कि एक दिन और दो दिन पानी का स्टोरेज का काम हम लोगों को यह करना चाहिए, परंतु कितनी शर्म की बात है कि हमारी सरकार तो चली गई और ये स्टोरेज आज दिन तक शायद नहीं बना है। बना है क्या? नहीं बना है, है नहीं बना। मैं जा गई हूं अभी नागौर में गई तो नागौर के अंदर 2000 करोड़ की स्कीम, उस स्कीम में से 761 करोड़ रुपए की पहला जो फेज था उसके अंदर नागौर में पानी पिलाना था। 2008 के अंदर हम लोगों ने नागौर लिफ्ट सिंचाई योजना पूरी की और फिर हमारी सरकार गई। उस दिन से लेकर आज तक पैसा होने के बावजूद भी, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है इसलिए उन लोगों ने पानी के कोई भी कार्यक्रम कंप्लीट नहीं किए। 4.5 वर्ष गुजर गए और नागौर बिल्कुल प्यासा पड़ा हुआ है। जहां मैं गई सब लोगों ने कहा कि इस गर्मी के अंदर हम कैसे रहेंगे, हमारी जान बचाओ, कहीं से पानी का इंतजाम करो। आजकल टैंकर की माफिया चल रही है, एक एक टैंकर को 1000-1000 रुपए हमको देना पड़ रहा है और हम इस हैसियत में नहीं। ये तो पानी की स्थिति है, जगह जगह पे फ्लोराइड, ज्यादा फ्लोराइड पानी के अंदर है। लोग जाके कह रहे हैं कि अगर हमको पानी की स्थिति नहीं बदलेगी तो हम कहां जाएंगे, पलायन करके क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे भी कहीं कहीं स्थिति को हमने देखा है। अब ये तो पानी का रहा, परंतु इसके साथ साथ बिजली की भी व्यवस्था। अब मालूम नहीं आपके यहां इतनी अच्छी बिजली चमचम आ रही है, इसको देख के हमको लग रहा है कि शायद आपके क्षेत्र के अंदर बिजली का कोई इंप्रूवमेंट हो गया हो। मैं जले पे मिर्च नहीं डालना चाह रही थी, परंतु मेरे को लग रहा है कि जनरेटर चल रहे हैं और किन्हीं किन्हीं लोगों ने मुझे अभी बता दिया कि बिजली 5 मिनट पहले ही गई थी। और इसीलिए राजस्थान के किसी भी कोने में जिस तरीके से बिजली आनी चाहिए वो नहीं आ रही। जहां जहां हमने पूछा वहां महिलाओं के लिए जो अलग सी बिजली हमने बनाई थी कि घरेलू बिजली बने उनके पास जाए, घरों के अंदर बच्चों के पढ़ने के लिए भी बिजली मिले, एक ऐसी व्यवस्था हमने कर दी थी जो 2008 तक मेरे हिसाब से, इसको नीचे कर दो, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हमारी माताओं बहनों को 18 से 20 घंटे बिजली मिल जानी चाहिए थी। अब मैं देख रही हूं कि वही बिजली जो अगर सरकार रह जाती तो 24 घंटे मिलती, आज वो बिजली 7 घंटे 8 घंटे और वो भी जोरदार ट्रिपिंग के साथ उनको घरों के अंदर मिल रही है। और किसानों की बिजली जो है वो 2 या 3 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं मिल रही है और वो भी जोरदार ट्रिपिंग के साथ। अगर बाय चांस करी आपका वो ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो वो ट्रांसफार्मर 72 घंटे के अंदर नहीं आता, आता है तो 1 महीने, हो सकता है 2 महीने के अंदर, और वो भी जब आप रिश्वत दोगे तो उसके बाद वो ट्रांसफार्मर आएगा, नहीं तो उसके पहले आने का कोई काम ही नहीं है। ये बिजली का हम लोगों ने देखा, मैं जगह जगह पे देखा कि इस बिजली का हम लोग क्या, तो मैंने सब लोगों को कह दिया कि 2 काम हम लोग करके छोड़ेंगे, सरकार हमारी आती है तो पर्याप्त और स्वच्छ पानी आप लोगों को घरों के अंदर मिले ऐसी व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार करेगी, नंबर 1। और नंबर 2, हमारी महिलाओं के लिए जो सिंगल फेज बिजली का काम हम लोगों ने किया, शुरू किया था, उसकी 24 घंटे बिजली मिलने का काम हम लोग घरों के अंदर उसका इंतजाम करेंगे। इसलिए माता बहने आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हमारे युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहती हूं कि आखिर में सुरक्षित समाज और गरिमापूर्ण जीवन तो तभी होगा जब हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे और अपने पैर पे खड़े हो जाके और रोजगार उनको मिलेगा तो वो काम करके अपने परिवारों के साथ अपने परिवारों का पोषण करेंगे। परंतु हमने ये देखा कि हमारे बच्चों की पढ़ाई भी सही तरीके से नहीं हो रही है। नए स्कूल जो थे सामान्यकरण के नाम पे कई स्कूलों को बंद कर दिया, जहां टीचर होने चाहिए वहां आधे टीचर या कभी कभी 1 या 2 टीचर से स्कूल चलाया जा रहा है। जहां हॉस्पिटल की बात होती है उन हॉस्पिटल के अंदर ना तो डॉक्टर होता है, महिला विशेषज्ञ तो होती ही नहीं है, और ज्यादातर मैंने देखा जहां स्पेशलिस्ट का काम होता है वो स्पेशलिस्ट भी कम से कम वहां है। हमारे बच्चे कैसे खड़े होंगे? मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि अपने सरकार के समय में हम लोगों ने 10 लाख नौकरी देने का इंतजाम किया था, पढ़ाया था, लिखाया था और 10 लाख नौकरी देने का काम किया था, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां भी मिली थी। आपको ये
पता करने कर रही थी मैं पिछले दिनों में कि इस सरकार ने अपने 4.5 वर्ष में कितने लोगों को नौकरियां दी, कितने लोगों को रोजगार दिया, तो मेरे को पता चला कि बहुत कम, मुश्किल से 20,000 या 25,000 लोगों को नौकरी मिली। आप ये देख लेंगे कि जब हमको सरकार मिली थी तो ऐसा समय था जब हम लोगों के पास राजस्थान का खजाना खाली और साथ में बीमारू प्रदेश, ये दो हम लोगों को आप लोगों ने हाथ में दिए थे। हम लोगों ने आपके प्यार के ऊपर इस मेहनत करके और मेहनत करके उसको गड्ढे में से निकाल के खड़ा करने का काम किया राजस्थान का, और आपने देख लिया कि 5 साल के अंदर राजस्थान को बिल्कुल अलग से एक जगह रखने का हम लोगों ने काम किया था। ऐसे ही आज मैं जब गिनती करती हूं तो मैं देखती हूं कि 55 साल कांग्रेस को हम लोगों ने याद दिए, उधर गुजरात के अंदर 15 वर्ष दिए नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी ने अपने प्रदेश को दुनिया के अंदर एक ऐसा प्रदेश बना के रख दिया है कि रोज वहां जाना चाहते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी ने अपने प्रदेश को भारत के पर्दे के ऊपर ला के रख दिया है, और हमारा प्रदेश जिसको 55 साल मिले एक ही पार्टी को, वह 10 और 15 साल के अंदर बदलाव आ गया, और यह आप देख सकते हैं 55 साल के अंदर हम लोग ऐसे के तैसे ही गड्ढे के अंदर पड़े हुए। क्या हम लोग बदलाव नहीं चाहते? क्या हम नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े? क्या हमने सबने एक सपना नहीं देखा है? और अगर हमने सपना देखा है तो उस सपने के लिए हम क्या करने को तैयार है? मुझे मालूम है कि जब चुनाव का टाइम आएगा तो ये आप लोगों के बीच में आएंगे और आप लोगों को परेशान करेंगे, आपको लुभाने का काम करेंगे और साथ में आपको डराने का भी काम करेंगे। गुलाब जी बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से गुलाब जी के पीछे पड़े, सीबीआई को इस्तेमाल किया, परंतु 5-7 व्यक्ति है, कितना भी कोशिश कर लेंगे हम सब कुछ फेस करने को तैयार है, साथ खड़े रहेंगे, मैदान में खड़े रहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, और लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोग किसी को उस पर डर नहीं है। मैं बात इतना थोड़ा सा कहकर आपको अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी क्योंकि समय भी हो गया, परंतु ये बताऊं आप लोगों को कि अब समय आ गया है हम लोगों को एक रास्ते 36 के 36 कौम और सब मजहब को साथ मिलकर चलने की अब जरूरत है। राजस्थान आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि हमारे बीच में दीवारें कांग्रेस ने खड़ी कर दी, इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि हम लोग एक दूसरे से झगड़ा करते रहे, और जब इलेक्शन का समय आता है तो एक को दूसरे से लड़ाने का काम ये करते हैं, और इसी तरीके से 55 साल आज राज करते आ रहे हैं, आज फिर आएंगे और वही काम करने की कोशिश करेंगे। मैं सब लोगों को यही कहना चाहती हूं कि हम लोगों को हिम्मत रखना पड़ेगा, हमारे 36 के 36 कौम और सब लोगों को एक परिवार के रूप में बांध के, प्यार के बंधन में बांध के अगर हम लोग सब मिलकर आगे चलेंगे तो हमारे प्रगति पथ पे हमारा विकास होगा होगा, और उसको कोई नहीं रोक सकता है, बस आप लोगों की ताकत होनी चाहिए। कोई अगर ये सोच ले कि एक व्यक्ति के हाथ में वो ताकत है तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ये तो आप लोगों का जादू है, परंतु आप उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है क्या? तैयार हो क्या? अगर इस्तेमाल करने को तैयार हो तो या जब डराएंगे धमकाएंगे तो हिम्मत है, लड़ने की हिम्मत है? अगर है तो मैं आप लोग सबको इतना ही हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं कि जब समय आएगा तो याद रखिए कि एक नए राजस्थान का सपना लेके जिसमें हमारे युवा अपने पैर पे खड़े हो, जहां हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे और जहां किसान हमारा मजबूत हो, एक ऐसे राजस्थान को लेके आगे चलने का काम हम लोगों को मिलके करना है। मुझे मालूम है कि ये जो नौकरियां नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके लिए लोग बहुत ही दुखी हैं। इतने सारे पोस्ट खाली हैं और उसके बावजूद भी नौकरियां नहीं मिली, और इसलिए नहीं मिली है क्योंकि एक परीक्षा अब जोड़ दी गई है बीच में जिसका नाम है टेट, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि सरकार अपनी आती है तो टेट को तो अपन अलग करेंगे और आरपीएससी के द्वारा अपना काम जिस तरीके से करना चाहते हैं उसी तरीके से अपना करेंगे। और मुझे मालूम है कि नीचे वाले, ये तो कांग्रेस की आदत है कि ऊपर वालों को भी कोर्ट में उलझा के रखा और नीचे वालों को भी कोर्ट में उलझा के रखा, परंतु स्टेट को अलग हटाया जाएगा, और जिस तरीके से पहले हम लोगों ने लोगों को नौकरी देने का काम किया आरपीएससी को इस्तेमाल करते हुए, उसी तरीके से हम फिर से करेंगे और आप लोगों का उसका फायदा सबको मिल जाएगा।
और इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए एक जोरदार नारा आपकी ओर से, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो हम लोग सबको साथ मिलके एक नया राजस्थान बनाना है, आओ उसके लिए हम लोग सब मिलके साथ चले, माताएं बहनें भाइयों बुजुर्गों सब लोग, ये परिवार साथ चलेगा, सब काम हो जाएंगे। आप लोगों को बहुत सारा मेरा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोग सब यहाँ आए।